पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क डिसीजन जो आधार केस के नाम से जाना जाता है और राइट टू प्राइवेसी के एक फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी के संबंध में। इस केस में क्या हुआ था, एक मैंने इसके पहले एक वीडियो और बनाया था खड़क सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी सर्विलियंस केस के नाम से, उससे उसको ओवर रूल करते हुए इस केस में उसके विपरीत राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट आधार केस के नाम से जो जाना जाता है उसने दिया। इसमें फैक्ट्स ये थे कि के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड कर्नाटका हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने एक पिटीशन लगाई। ये केस के एस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें ये था कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 नंबर के यूनिक नंबर देते हुए एक आधार स्कीम स्टार्ट की। आधार के संबंध में आप सभी काफी लोग जानते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए उसको इन चीजों से लिंक किया, जिसमें मनरेगा था, बायोमेट्रिक्स लिए जाते थे, पेंशन स्कीम से, डिसेबिलिटी स्कीम से, मिड डे मील आदि की सभी स्कीमों को इससे लिंक कर दिया। पिटिशनर जो के एस पुट्टास्वामी थे, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज कर्नाटका हाईकोर्ट के, उन्होंने ये कहा गवर्नमेंट ने इस यूनिक जो नंबर 12 नंबर जो डिजिट का दिया है यूनिक नंबर आधार में, इसको गवर्नमेंट की स्कीम से लिंक क्यों किया है, इससे इंडिविजुअल्स के जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायोलेट हो रही है। और गवर्नमेंट ने ये नहीं बतलाया कि ऐसे सर्वर को यूज किया जा रहा है जो अनसेफ है, कोई भी उसे हैक कर सकता है और ये अनसेफ है, सेफ्टी मेजर नहीं है इसमें, ये भी नहीं है आधार स्कीम वैलिड है कि नहीं है ये भी नहीं बतलाया गया है। तो इसमें ये भी के एस पुट्टास्वामी की ओर से प्रश्न उठाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नहीं बतलाया कि किन किन चीजों के लिए ये इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी जो इसमें डिस्क्लोज हो रही है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो राइट टू प्राइवेसी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, तो आइडेंटिटी को क्यों एनरोल्ड गवर्नमेंट कर रही है इसके साथ, तो इसमें ये प्रश्न मुख्य रूप से उठा। और सिटीजन्स को लिंक करने का कोई कारण भी गवर्नमेंट ने नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मेरिट पर ये मामला सुना और आधार स्कीम को तो वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनली कर दिया गया, अर्थात संवैधानिक रूप से आधार की स्कीम ठीक है। 26 सितंबर 2018 को ये फैसला दिया गया, लेकिन इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आधार एक्ट था उसकी धारा 57, धारा 33 एक और दो, धारा 47 और धारा 2D को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि इसको रीफ्रेम किया जाए आधार स्कीम की। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एमपी शर्मा एवं खड़क सिंह के केस में जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट नहीं माना था उसको ओवर रूल्ड कर दिया और उनका कोई अस्तित्व उन दोनों केसों का, एमपी शर्मा और खड़क सिंह का, नहीं रह गया। तो इसके अंदर यह भी प्रश्न उठाया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 जो क्रमशः इक्वेलिटी के, फ्रीडम के, कन्विक्शन के, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तथा रिलीजियन से संबंधित है, आर्टिकल 14, 19, 20, 21 एंड 25, ये फंडामेंटल राइट के रूप में इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इसी केस में धारा 377 के संबंध में पार्टली एब्रोगेट करते हुए, जो कि मैंने एक अलग से वीडियो नवजोत सिंह जौहर के संबंध में बनाया, उसको भी एब्रोगेट कर दिया गया। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 26 सितंबर 2018 का ये इम्पोर्टेंट जजमेंट आधार के संबंध में, आधार केस के नाम से जाना जाता है, जो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के रूप में एंश्योर और रिकॉग्नाइज किया, और ये काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट है। और इस प्रकार राइट टू प्राइवेसी का कंसेप्ट जो पहले कैरी नहीं हो रहा था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया और वैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी, यदि वो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसको सब्सक्राइब कर लें, आपसे निवेदन है, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा दें। जो भी कानूनी जानकारी वीडियो में आपको समय समय पर नए उपलब्ध करा रहा हूं, सबसे पहले आपको देखने को मिले, उससे आपकी कानून की जानकारी बढ़े, यही इस चैनल का मेरा मुख्य उद्देश्य है।
मैं रिटायर न्यायाधीश हूँ और आपके सामने नए 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 कानून, नई नई रूलिंग जो भी मेरे को जानकारी में आती जा रही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को लाइक शेयर अपने मित्रों को, दोस्तों और समाज के लोगों को जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।